मुजफ्फरपुर में बहन की शादी से एक दिन पहले भाई की अर्थी उठ गई। शादी के घर में अब मातम छा गया है। मामला कथैया थाना क्षेत्र के ठिका बाजार की है, जहां पड़ोस के ही युवक ने 20 वर्षीय अमित कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी युवक दो कट्टा व एक फरसा अपने साथ लेकर आया था, एक कमर में खोसे हुए जबकि दूसरा हाथ में लिए हुए था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक सड़क पर निकल गया, हथियार दिखाकर बाइक सवार को रोक लिया, फिर थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसके पास से दो कट्टा बरामद भी किया है। आरोपी विशाल कुमार बैठा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मोतीपुर सरैया सड़क मार्ग जाम कर दिया। इसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ, लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बताया गया कि अमित अपने दोस्त के साथ ठिका बाजार में नाश्ता करने आया था, इसी दौरान विशाल होटल पर आ गया, बिना कुछ कहे पीछे से गोली चला दी। एक गोली चलने के बाद अमित के दोस्त ने आरोपी का एक हाथ पकड़ लिया, इस पर विशाल ने दूसरे हाथ से कट्टा चला दिया, फिर मौके से फरार हो गया। सड़क पर जाकर एक बाइक को रुकवाया, फिर थाने पहुंच गया। मामले में अमित के पिता ने बताया कि 3 दिन पूर्व छोटे बेटे को आरोपी ने धमकी दी थी, पूछताछ करने पर गाली गलौज की थी। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की थी। बताया कि अमित की बहन की शादी 3 दिसंबर को होनी थी। शादी के घर में अब मातम छा गया है। पूरा मामला यही है कि मतलब मर्डर होने से 3 दिन पहले वो जो लड़का था, हमारे पास वीडियो भी उसका है, वीडियो हम दिखा सकते हैं आपका। वो वीडियो मतलब दो कट्टा लेकर एक फसुला लेकर वो मतलब दरवाजे के पास आया। वो इस मतलब जो डेट किया लड़का, उसके पापा पे गन मतलब तांदा कट्टा, देसी कट्टा, ठीक है। वो मतलब वीडियो का हम बनाते हुए मतलब 5-10 सेकंड का हमारे पास वीडियो उसका है, वीडियो बनाए। फिर जब हम आगे बढ़े तो वो लड़का ना थोड़ा साइड हो गया। हम बताएं कि हम मतलब NCC किए हुए हैं, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस से हम ज्वाइन किए हुए हैं। तो लड़का वो साइड थोड़ा सा हो गया कि ये भी पुलिस सही लड़का आदमी है, तो वो समझ कर वो थोड़ा सा वहाँ पे ढीला हो गया। ढीला हो गया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो लड़का वापस चला गया। फिर क्या मतलब यही जब वीडियो रिकॉर्डिंग हम पंचायती यानी जो बोले सरपंच और मुखिया को दोनों को दिखाएं, उसके बाद हम थाना गए। थाना गए तो वहाँ देखें थाना में कोई भी आदमी नहीं था, बस एक चौकीदार था, एक लेडीज कोई कॉन्स्टेबल थी। उसके बाद फिर वहाँ पे बोला कि चौकीदार बोला कि अप्लीकेशन हम डायरेक्ट गए, जय हिंद का आप मतलब दीजिए, जो हमारा रिस्पेक्ट होता है, जो NCC में सिखाया गया था, जो रिस्पेक्ट। क्या हुआ था मामला? कल मामला ये हुआ कि जैसे हम और जो लड़का हमारा दोस्त अमित जो अभी मतलब मर चुका है, वो हम दोनों वो बाजार करके आया, उसको सुबह से ही खाया मतलब सुबह से ही भूख लगा था ज़बरदस्त। वो दो रोटी खाली खा कर ही गला था मार्केट के लिए। उसके बाद दोपहर में आया, हाँ, तो वो बोला कि जोर से हमें भूख लग रही है निशांत भाई, अब चलो हम दोनों मार्केट से समोसा खा के आते हैं। तो समोसा खाने के लिए ऑर्डर दिए, और जैसा कि ये रोड है ऐसे हम लोग विपक्षी बैठे कुर्सी लगा कर दोनों तरफ कुर्सी लगाए और बैठे, और उधर से जैसे ही बैठे मतलब 2 मिनट के बाद उधर से वो जो लड़का आया कट्टा भिराते हुए हम देखें उसको कट्टा एक छीनने की कोशिश की है, लेकिन कट्टा दो कट्टा रखा था, एक कट्टा तो छीन मतलब छीनने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन दूसरे कट्टा से वो उसको गोली मार दिया। हंगामा भी किए तो आदमी जुटा, लेकिन वो दूसरे गोली डालकर वो बोला कि जो आगे आएगा उसको गोली मार देंगे। फिर उसके बाद थाना को जब रिपोर्ट, हम लोग इससे पहले मर्डर होने से 6 घंटा पहले थाना में वीडियो दिखाकर हमने FIR दर्ज भी करे किया था, लेकिन वहाँ पे गए थाना तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस एक चौकीदार था, देवेंद्र यादव नाम है, ठीक है। एक और कोई ASI जूनियर था, तो जैसे FIR दर्ज किए, FIR फॉर्म जो हम अप्लीकेशन जो जमा करने गए तो वहाँ देखें कोई नहीं बराबर, तो हम पूछे भी। पूर्व से विवाद भी था क्या? पूर्व से विवाद थोड़ा बहुत छोटा मोटा था, विवाद होता भी नहीं था। विवाद मतलब जैसे कि एक छोटा भाई है, जो लड़का अभी डेट किया हमारा दोस्त, उसका छोटा भाई, वो दुकान से आ रहा था, मतलब किराना दुकान से आ रहा था लेकर कुछ सामान। तो उसको वो जो लड़का था वो बोला कि तुम मम्मी को बुला के ले आओ, तुमको हम फरिया, डायरेक्ट इसी बोला, तुम अपनी मम्मी को बुला के ले आओ, तुमसे मम्मी से हम फरिया लेंगे, जैसे फरियाने होगा हम फरिया लेंगे। उसमें वो कट्टा को रखा हुआ था अपने पास, तो वो उसकी मम्मी आई तो पूछी क्या किस लिए फरियाओगे, क्या फरिया रहा है। ये बात हुआ लगभग 10 मिनट तक, मतलब बस हुआ 10 मिनट तक बस हुआ। उसके बाद माहौल छान हुआ, उसके 5 मिनट बाद उसके घर पर वो लड़का दो कट्टा लेकर एक और अमित के गार्जियन पर यानी पिताजी पर उसके कट्टा तान दिया था। उसके पिताजी बांस लेकर दौड़े और हम टाइट तो आगे बढ़े, तो वो लड़का थोड़ा पीछे हटकर वो साइड हो गया, छुप गया। लेकिन वहाँ क्या वही उसी मतलब घर के विशाल बैठा नाम है उसका, हाँ विशाल बैठा, उसी घर से 10 घर आगे रहने वाला है। क्या करता है वो? बस लफोगिरी करता है, मतलब शराब पीता है,
मतलब नशा के सब गुण है उसमें। वो सर हमें जहाँ तक मतलब जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, मतलब जहाँ हम 15 दिन हम यहाँ पे शादी में अटेंड किए होते, 3 तारीख की बारात आने वाली थी, एक कल 1 तारीख को घटना ये हुआ। उससे पहले थाना में भी रिपोर्ट दिया गया था। अमित कुमार, कितना 22 साल। क्या करते थे ये बेचारा? सीधा साधा था, वो बाहर में अपने नौकरी कर रहा था अभी लोहा डिपार्टमेंट में। क्या मामला, क्या चीज़ लग रहा है? सर ये तो हमें उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हम 15 दिन से आए, उसका दोस्त हम उसका दोस्त हैं तो मतलब ये बताया कि थोड़ा सा मैटर पहले भी हुआ था दीपावली के समय। हम उनका दोस्त हुए, खास दोस्त। क्या बताया गया था दीपावली? दीपावली में आया कि घर पे आके फायरिंग किया है, लेकिन उस समय भी वो थाना को पता चला था, लेकिन थाना कोई एक्शन नहीं लिया था उस समय भी। हाँ हम दोस्त हुए, जो बोला जाए एक दिन दो। मेरा निशांत कुमार नाम है, घर मेरा पटना का, हम पटना के रहने वाले हैं, पटना का रहने वाले हैं, प्रॉपर पटना का रहने वाले हैं। मिर्ता यही ठिकान के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर जिला का ही। क्या खाना चाहिए? कठैया का दरोगा इतना लूज मोशन का अति मतलब रिएक्शन उनका रहा कि कोई मतलब भगवान नहीं करे कि दूसरा थाना वैसा करे। हुआ क्या उसकी? नहीं शादी नहीं हुई थी, बेचारा कुमारा था 22 साल ही था शादी, उसकी बहन की 3 तारीख की बारात आने वाली थी। अच्छा। जो कि मतलब 30 तारीख को शादी से पहले गोली मार दिया गया। वो कारण यह था कि मतलब जैसे कुछ बहस हुआ था पहले, जो कि हम पहले पिछले आपको बता चुके हैं कि बहस हुआ था, बहस को लेकर वो कट्टा लेकर आया, पता नहीं उसके मांग मतलब कोई उसको प्रेशर साइड डाल रहा था लग रहा है, जहाँ तक लड़का जो गोली मारा उसके पीछे भी बहुत लड़का है, एक दो लड़का और है जो कि उसको पीछे प्रेशर दे रहा था, पैसा देकर काम करवाया है।